क्यों परेशान करके रख रखा आपको? बेटी की बहू मिली है क्या परेशान करने के लिए? दुनिया भर की बहू बेटी है, वहाँ जाकर नजर मारो ना। अरे अंकल दूर रह ले ना, हट। अरे समझ में ना आ रही? नहीं आ रही बहन, जठर की। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई मैं उस साइड ना वीडियो शूट कर रहा था, तो एक भाभी मतलब दिख रही है, वो मतलब काफ़ी देर से मतलब परेशान से लगी रही, कभी रो रही है कभी चुप बैठ जाती है, बिल्कुल मतलब इमोशनल हो रखी है। तो एक बार उससे जाकर उसकी प्रॉब्लम पूछते हैं, मतलब क्या उससे प्रॉब्लम, उसकी मतलब उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो मतलब वो रो रही है। तो भाई कैमरे को देख अच्छे से छुपा लियो, मतलब उसको दिखाना नहीं चाहिए क्या आप, मतलब बता दे प्रॉब्लम अपनी, ठीक है? तो अभी चलते हैं उस साइड, भाई कैमरा कर ले, दिखा दे। हो गया क्यों रो रहे भाभी जी? आप कौन? अरे मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था आपको काफी देर से वहां से। मेरे को आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे मैं कुछ बात करने नहीं आया, मैं पूछा क्या बात हो गई ये बताओ। कुछ नहीं, आप जाइए, मेरे को आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे देखे अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, ठीक है? मतलब सोल्यूशन बताने से, हर चीज का सोल्यूशन है बताने से, बता सकते हो क्या बात है आपकी, क्या नहीं है, क्यों रो रहे हो? मैंने काफी देर से आपको नोटिस कर रहा था रोते हुए, क्या बात होगी बता सकते हो भाभी जी? क्या बताऊँ मैं आपको, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, आप जाइए। अरे देखो हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। अगर हाँ ऐसी कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, मैं देखो मैं लोगों की हेल्प ही करता हूँ, बता सकते हो। आप प्लीज़ हेल्प करोगे? हाँ मैं प्लीज़ आपकी, देखो मैंने सामने देखो मैंने कैमरा लगा रखा है, देखो इफ़ यू डोंट माइंड, देखो मैं हमेशा लोगों की हेल्प करता हूँ, मतलब मेरे यूट्यूब पर चैनल है HDS प्रैंक के नाम से, ठीक है? तो उसमें लोगों की हेल्प करता हूँ, आप चेक कर लेना बाद में। तो देखो मैंने सामने कैमरा लगा रखा है, तो आप बता सकते हो आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? मैं ना मेरी शादी हो चुकी है, मेरे हस्बैंड ना जॉब के सिलसिले में बाहर रहते हैं, वो आते हैं चार चार पाँच पाँच महीने में, पाँच छः दिन के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। मेरी सास है नहीं, सास मेरी की सास एक्सपायर हो चुकी है, ससुर और मैं घर पे रहते हैं। तो जब भी मैं अपने ससुर को खाना वाना देने जाती हूँ तो वो मेरे को गलत नज़र से देखते हैं वो। तो बस तो मेरा जीने को भी फ़ायदा नहीं, मैं अपने सुसाइड करने जा रही थी। जब भी मैं उनको खाना वाना देने जाती हूँ वो टच वच करते हैं, हाथ पाथ पकड़ते हैं। तो इस वजह से मैं इन सबसे ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, अब इससे ज़्यादा मेरे से और कुछ नहीं। सुसाइड करने से हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता ना, सुसाइड कर लोगे क्या हो जाएगा उससे? मतलब ज़िंदगी में जियो आए होते यार, कठिनाइयाँ तो ज़िंदगी में कठिनाइयाँ तो आएंगी ना। कठिनाइयाँ आएगी तो शादी हुई है तो ये थोड़े ना ससुर गलत नज़र से देखेंगे, ये सब थोड़े ना रहेगा क्या? देखो मैं आपकी तो पूरी तरीके से तो यही है ना, सोसाइटी कर लो ना, मैं रहूंगी ना, वो मेरे को आप पागल हो, ऐसी बात नहीं करते। देखो सुसाइड में कोई फ़ायदा नहीं है, देखो मैं हमेशा लोगों की हेल्प की है मैंने, तो आज भी कोशिश करता हूँ मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। तो आप एक काम करो, आप ससुर को यहाँ पर बुला सकते हो? तो मतलब ये बोलना है ना, मतलब अगर फ़ोन करो उनके पास यार, बोल दे डिस्ट्रिक्ट पार्क में आ जाओ, करो अगर कॉल उनके पास, फ़ोन लाउड स्पीकर करना। हेलो हेलो पापा जी, वो ना मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप एक बार पार्क में आ सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट पार्क में? हाँ जी, 5-10 मिनट के लिए आ जाओ, मेरे को आपसे बात करनी है, आप 5-10 मिनट के लिए आ जाइए। लोकेशन ठीक है, मैं आपको लोकेशन सेंड कर देती हूँ, ठीक है? ठीक है, ओके। तो देखो अब आने के लिए वो आ रहे हैं थोड़ी बहुत, उन्होंने लोकेशन मांगी था, आप उनके पास एक बार लोकेशन सेंड कर दो, ठीक है? तो भाई देखो मैं वीडियो शूट है, ये यूट्यूब पर जाएगी वीडियो, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, डाल सकता हूँ ना? तो भाई वो अंकल जी अभी आने के लिए बोल रहे हैं, लोकेशन सेंड करते हैं, देखते हैं मतलब आज उनके साथ है। देखो प्रॉब्लम आपकी जेन्युइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है आप कहीं आप मेरे साथ ही कुछ मजाक कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं आपकी जितना हो मैं सोच के मैं आपकी इतनी हेल्प करूँगा, ठीक है? तो भाई करते हैं अब उनका वेट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर,
चल कहाँ चलो कहाँ चलो बताना पड़ेगा क्या क्या बताओगे पापा जी देखो आप मेरे पापा की उम्र के हो ये सब अच्छा तो नहीं लगता है जो आप कर रहे हो मेरे साथ में क्यों कर रहे हो अरे कहाँ जाऊँ मैं बताऊँ कहाँ जाओगे क्या अब ये वे क्या बताऊँ मम्मी है नहीं तो आप ये थोड़े ना आपको आप बहू को गलत नज़र से देखोगे चलना है नहीं चलना है बोलो मैं कहीं नहीं जा रही बोल नहीं जा रही नहीं जा रही नहीं जा रही मैं क्यों जाऊँ क्यों नहीं जाओ नहीं जा रही मैं चलो कहाँ जाऊँ नहीं जाना चाहते मैं कहीं नहीं जा रही नहीं जाना चाहती अब बोल क्या करना फिर कुछ करना पड़ेगा फिर मेरे को क्या करोगे जबरदस्ती की क्या जबरदस्ती ऐसे कैसे जबरदस्ती करोगे चल कहाँ चलो मैं कहीं नहीं जा रही चल मुझे कहीं नहीं जाना नहीं बोलो क्या बोलूँ मैं कहीं नहीं जाना चाहती मजबूर नहीं कर मेरे को क्या मजबूर कर रही हूँ मैंने आपको बोला ना एक बारी मैं आपके साथ कहीं नहीं जाना चाहती क्यों मुझे मजबूर करती है कि मैं जबरदस्ती मैं कोई आपको मजबूर नहीं कर रही आप बाहर जाओ क्या जा रहा है आपको लेकिन मैं आपके साथ कहीं नहीं जाना चाहती चलना नहीं नहीं जाना मैं चलूँगा अंकल मैं चलूँगा कौन है भाई क्यों मैं तो कोई ना कोई ना मैं तो यहाँ से देख रहा था साइड पे था ना साइड में अंकल मैं चलूँगा ना मैं चल लूंगा ना तू इसने ले जा मैं चल लूंगा मेरे साथ चल करी के करागा वो तो मेरा पार्ट है वो कौन के करेगा देख अंकल जबरदस्ती तो ऊपर चढ़ो मैंने ठीक है वो तो मैं सुन जान जानू हूँ बड़ा हो ना तो अब लिमिट में रहो ठीक है ना बड़ा हो ना तो अपनी लिमिट में रहो अंकल मैं हाथ उतना उठाना चाहूँ आपके ऊपर ठीक है मेरे को बहुत परेशान कर रखा है इन्होंने बहुत टॉर्चर करते हैं बात बात पे टॉर्चर करते हैं समझ में नहीं आता कन्हे मत आवा ठीक है कन्हे मत आवा आने की कोई जरूरत भी ना है ठीक है परेशान समझ में ना आ रहा है बेटे की बहू को गलत नजर से देख लिया किसी बेटी खराब कर रहा तू अरे अंकल क्यों बिना बात ना पिटका मारने का अगर नो बता देना अरे मैं अंकल बिना बात की बात मत करा देख मेरे बाप दादा की उम्र का है तू बिना अरे अंकल देख मैं हाथ ना उठाना चाहूँ बुजुर्ग तू ठीक है फिर मैं अपना हिसाब तो बताना चाहूँ तने जा रहा नहीं मैं ना जा रहा कहीं पे भी मैं यही और तू करके दिखा आज के करा गया तू हट फिर हैं तू करके दिखाओ ना आज के करके दिखाओगा अरे अंकल जोर मत जमा हुआ ठीक है ना जोर मत जमा क्यों ना जमावे चल बाहर इधर आ जा वराना वराना अरे तो वराना मैं कर तू मत रे कभी सोच रहा हूं वराना वराना ठीक है मतलब परेशान करके रख रख कर बिना बात की बात मत करा तू ठीक से तनी सा समझाना जानू मेरा बात की उम्र का है ना तो लिमिट में रहे समझा दिया तेरे एक बार ना क्या कर लेगा तू देख अंकल मैं कुछ ना मैं अंकल मार दूंगा बिना बात ने अपना हिसाब तेरे ठीक है वो तू साइड पे क्यों नहीं होता चल क्यों मतलब तू इसकी जिंदगी ने खराब कर रहे हो कुछ भी ना है क्यों परेशान करके रख रखा आपको बेटी की बहू मिली है क्या परेशान करने के लिए दुनिया भर की बहू बेटी है वहाँ जाकर नजर मारो ना अरे अंकल दूर हल्ले अरे समझ में ना आ रही नहीं आ रही खराब करो शर्म ना आवे ये तेरी बहू और सुने देख वो सामने कैमरा लगा रखा है ढंग से देख ले देख ढंग से देख जाएगा तू मैं मार मूर दूंगा देख वो कैमरा लगा रखा है सामने देख साथ गलत कर रहे हो सही है क्यों हटाओ क्यों अभी भेजू बाद में भेजू बता दे बोले अभी भेजू शरम आओ तने तेरे बेटा बाहर का मान जा तू इसके साथ ये करे क्यों के माफ कर दे फोन दी के माफ कर दे माफ कर दे क्यों मतलब तू इसके साथ गलत कर रहा हो सब कुछ है
नहीं करूँगा अब। क्यों ना करेगा? नहीं ना ना, तने क्या चीज जरूरत है तू मेरे तो बता ना, क्या चीज जरूरत है तने? नहीं नहीं करूंगा ना, मैं करवाऊंगा, चल के करवाओ तू, चल। नहीं करूंगा, मैं लेके चलूं तेरे की जगह। हटवा दे, हैं? हटवा दे, वो ना हटे, ना हटे, कुछ भी कर ले, वो ना हटे, हटवा दे। पर अब बता क्या करना है, अगर अपलोड कर दो उसका वीडियो को, वीडियो ना अपलोड कर दूं ना, अपलोड कर, कल वीडियो तो अपलोड होगी और तेरा बेटा ने वीडियो जाओगी। मैं कह रहा हूं ना के नहीं करूंगा अब, आगे से नहीं करूंगा, आगे से ना होगा, औरों की बहू बेटियों के साथ तो ऐसा नहीं, नहीं होगा, कम नहीं, से कम नहीं होगा, ये वीडियो अपलोड होगी नहीं करूँगा अंकल, वीडियो तो अपलोड होगी और दुनिया ने बेरा लगेगा, ठीक है? तेरे के मन में तू आ बता अपनी, मैंने माफ तो माफ कर दे, नहीं करूँगा आगे से, नहीं करूँगा। अरे हुआ तो? नहीं करूँगा। हुआ तो जो सजा देनी दे, मैं तेरे खिलाफ केस दर्ज करवाऊँगा। हाँ पक्की? अरे यार वीडियो तेरे बेटा ने भेजूँगा। नहीं हम भेजने की जरूरत, क्यों ना ना, ये वीडियो जाओगी तेरे बेटा ने जाओगी। मैंने माफ़ी मांग रहे हैं ना? ना ना माफ़ी, मैं इतना बड़ा आदमी माफ़ी मांगवा के, अगर मैं खुद ही शर्मिंदा हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी बात भी नहीं उठा सकूँ अंकल, जा देख, बिना बात की बात मत कर। ना ना ना, बिना बाप की बात मत कर, जा निकल बरात। तो देख भाई, तेरा जो जो ससुर ऐसा ही है, ठीक है? जब मैं वीडियो तेरे से दे दूँगा, ठीक है? अरे अपना हस्बैंड के पास ये वीडियो भेज दियो, ठीक है? जो तेरे पे भरोसा ना करे ना इस बात का, मेरे जो वो पापा जी हैं वो ऐसे करते हैं ना, तो अब भरोसा करने लग जाएगा। वो देख इस वीडियो में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है? अब कोई देख सुसाइड वुसाइड मत करियो, अपने घर पर चले जाइए, अरे मेरा नंबर ले लियो, इसमें अपना नंबर डायल कर दे, फिर भी कोई दिक्कत आवे ना मेरे पास फ़ोन कर दिए, ठीक है? ऐसी कोई परेशानी आओ तब, हाँ मेरे पास, अगर मेरे ससुर मैंने फिर परेशान कर रहे हैं तो अपन उसके खिलाफ केस दर्ज करवा सको, उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, फुल हेल्प करूँगा जितना मेरे से हो पाएगा, ठीक है? अब कोई सुसाइड नहीं करना, आप अपने घर पर जा सकते हो, ओके? नंबर डायल कर दिए, ठीक है? मैं आपको कॉल कर दूँगा, मिस कॉल कर दूँगा, ठीक है? वो मेरे नंबर, आप जाओ, ठीक है? सुसाइड मत करना, आराम से जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज आपने देखा, मतलब वो अंकल है, वो ठरकी अंकल है, ठीक है? मतलब ऐसे ऐसे भी मतलब अपनी बहू को टॉर्चर करते हैं इस तरीके से, वह ऐसा किसी के साथ मत किया करो, ठीक है? वो किसी की बहन बेटी है जो आपका खुद का घर में छोड़कर थारे घर में रहना आ रही है, तो इस बात में समझा करो यार, ठीक है? ऐसा किसी की बहन बेटी के साथ मत किया करो यार, तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ। तो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इस अंकल का चेहरा मतलब सब जगह पर दिखा दो भाई, वीडियो शेयर कर करके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन भी दबाना यार, आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं पहुँच पाती है। अरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर फॉलो कर लो और वहाँ पर बात करते हैं। बाय बाय दोस्तों, लव यू, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।